साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक्दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। और आज का ये वीडियो बहुत ही अहम और खास होने वाला है। ये वीडियो मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट के लिए तो है ही है, यूजीसी नेट के लिए भी है, और अगर आप यूपी पीजीटी क्या साथियों यूपी पीजीटी या फिर DSSSB जो दिल्ली वाला है उसके पीजीटी में भी ये आपको काम आएगा। इसी तरह आपको मानू क्या मानू यानी कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और इसी तरह आपको यूपी टेट क्या साथियों यूपी टेट, और इसी तरह एपी टेट यानी आंध्र प्रदेश टेट, इसमें भी आपको ये काम आने वाला है। ये वीडियो बहुत ही अहम और खास है, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मुफीद कटियार शेख सद्दाम हुसैन जी, और आपको ये जान लेना चाहिए कि हम लोग जो छठे यूनिट को पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में, इसमें साथियों नाविल है, तो इसलिए हम मुंशी प्रेमचंद जो है इन्होंने अफसाना भी लिखा है, नाविल भी लिखा है, तो ज्यादा जो हमारा फोकस होगा इनके नाविल पे होगा। लेकिन जो इनकी हयात खिदमत है, इनकी जो हालात जिंदगी है, कब ये पैदा हुए, फिर कब इनकी वफात हुई, ये सारी चीजें हम साथियों डिस्कशन करते चलेंगे। तो हर दिन की तरह आज मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद का जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है उस नावल का नाम है गऊदान। क्या साथियों गऊदान, देखिए इसके अंदर ही छुपा हुआ है आपका अर्थ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। गऊदान देखिए दान का माना क्या होता है, हिंदी में इसको लिख दीजिए, दान का मतलब क्या होता है साथियों, किसी को दान करना यानी हदिया करना नहीं बोलते, दान कर दिया उन्होंने यानी खैरात जकात कर देना, ठीक है, नजर करना। और गौ का माना क्या होता है, गौ का माना होता है साथियों गाय, क्या माना होता है गाय। तो ये जो गौ दान है ये असल में इस तरह है साथियों, क्या है गौ दान, क्या है गौ दान यानी गाय को दान करना। बेसिक इसमें यही चीज है कि ये नाविल जहां पर इख्तिताम होता है वहां पर साथियों पंडित जी जो हैं इस नाविल की जो हीरोइन है उससे गाय को दान करने को कहती है, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहा। लेकिन इस नावल का किरदार जो शुरू होता है इसमें होरी नाम का, जी तलफ्फुज में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, होरी नाम का एक साथियों शख्स होता है जो कि किसान होता है, काश्तकार होता है, ठीक है, इस नावल का मरकजी किरदार है। और होरी की एक बीवी होती है जिसका नाम होता है धुनिया, क्या नाम होता है साथियों धुनिया, ये होरी की बीवी होती है, ठीक है। अच्छा होरी का जो बेटा होता है जिसका नाम होता है गोबर, क्या नाम होता है गोबर। इसी तरह होरी के पास दो लड़की होती है, एक का नाम होता है सोना, दूसरा का नाम होता है रूपा, क्या नाम होता है रूपा। और होरी में साथियों इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है भोला अहीर, क्या नाम होता है भोला अहीर। ये होरी की गाय को जहर दे देता है जिसकी वजह से होरी की गाय मर जाती है, और भोला अहीर की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है झनिया, क्या नाम होता है झनिया। और ये झनिया जो है ये बेवा औरत होती है, इसकी यानी शादी हो चुकी होती है लेकिन ये इसके शौहर मर चुके होते हैं। तो ये झनिया जो होरी का बड़ा लड़का जिसका नाम गोबर है, गोबर से इसको प्यार हो जाता है, ठीक है साथियों। चुनांचे ये बात होती है कि गोबर झनिया को अपने घर लाता है, और चूंकि गांव समाज के लोग इसको बुरा भला कहते हैं तो गोबर अपने बाप यानी होरी के डर से अपनी बीवी यानी झनिया को घर पे छोड़कर वो कहां चला जाता है, वो साथियों चला जाता है कहां, शहर में चला जाता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूंगा, गऊदान जो है ये एक नावल है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ। इस नावल का जो मरकजी किरदार है वो होरी नाम का एक किसान होता है जिसकी बीवी होती है धनिया जी, और जो होरी है इसका लड़के का नाम है गोबर, और इसको दो लड़की है, एक का नाम है सोना, दूसरा का नाम है रूपा, ठीक है, याद रखिएगा। चुनांचे साथियों ये होता है कि होरी डेली खेती बाड़ी करता है, इसके पास 3 बीघा जमीन होता है,
और ये खेती बाड़ी करते 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 बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है भोला अहीर, और ये भोला अहीर इससे जलने लगता है और होरी के गाय को जहर दे देता है, जिसके बिना पर इसकी गाय मर जाती है। फिर ऐसा होता है कि होरी बाहर वगैरह जाता है, इसी दरमियान ये जो भोला अहीर है इसकी एक बेटी होती है, बेवा बेटी, जिसका नाम होता है झनिया, और इससे गोबर को इश्क हो जाता है, और गोबर क्या करता है साथियों, उसको अपने घर ले आता है, और फिर गोबर अपने बाप यानी होरी के डर से भाग जाता है, यानी वो शहर चला जाता है। ठीक है, फिर साथियों क्या होता है, गांव के सरपंच वगैरह सभी लोग बैठते हैं, होरी पर फाइन करते हैं, और जो सारे जमीन होते हैं उसको साथियों गिरवी रख दिया जाता है, और गांव वाले चाहते हैं कि होरी की जो 3 बीघा जमीन इसको मिला है जी विरासत में, वो सभी के सभी ले लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर साथियों क्या होता है कि जो गोबर है ये शहर से पैसा वैसा कमा कर लाता है, और अपने बिया मतलब माँ जिसका नाम धनिया होता है, इसको समझाता है कि माँ तुम इस साहू वगैरह के चक्कर में न पड़ो और इस दुनिया को छोड़ो, ये लोग हमको ठगते हैं। लेकिन माँ का जो है पुराना ख्याल था, ये बाप का ये बेटे का बात नहीं मानती है, यानी गोबर का बात नहीं मानती है, तो बाप बेटा जो है गोबर वो माँ को छोड़कर वो अपनी बीवी यानी झनिया को लेकर वो शहर चला जाता है। ठीक है, बात यहां तक कंप्लीट हो गई। इसी में साथियों फिर क्या होता है, जो सोना और रूपा नाम की बेटी होती है होरी की, ये जवान हो जाती है और इसके शादी कराने के पैसे होरी के पास नहीं होते हैं। चुनांचे साथियों फिर आगे किस्सा और कहानी आगे बढ़ता है, जिसको मैं आगे सुनाऊंगा आपको। फिर इसी के दरमियान क्या होता है कि होरी एक दिन साथियों बैल एक होरी के पास होता है, होरी बैल का घास लाने जाता है, कहां पर जी खेत में जाता है, और वहां से आता है, गर्मी का मौसम, होरी को लू लग जाती है और होरी इस दुनिया को खैराबाद कह देता है और होरी की मौत हो जाती है। साथियों यहां तक किस्सा कहानी मुकम्मल हो गया। और फिर एक सलाद जो होता है ना मरने के बाद, जिसको श्राद्ध बोलते हैं, वो होता है, तो पंडित जी आते हैं और पंडित जी कहते हैं धनिया से, चूंकि होरी को गाय का बहुत शौक था इसलिए तुम एक गाय क्या करो, गऊ दान करो, क्या करो, गऊ दान करो, इसीलिए इस नाविल का नाम गऊ दान पड़ा है, गऊ दान का मतलब। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं, ये तो एक मुकम्मल खुलासा था जो कि मैंने आपको समझाया है, अब आपको चलूंगा साथियों पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट को आउट करने के लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए जी, चलिए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? जो जी ओके, चलिए तो ये बातें तो थी जो कि मैं पहले साथियों कह देता हूं, ताकि आपको एक पूरे इसका खुलासा निचोड़ आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, कौन सी जी ये सब चीजें आप। ठीक है, तो आपको होरी इस नावल का मरकजी किरदार है, धनिया इसकी बीवी का नाम है, गोबर साथियों इसके बेटे का नाम है, और सोना और रूपा इसकी बेटी का नाम है, और झनिया इसके यानी होरी के पुतो का नाम है, और गोबर के बीवी का नाम है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के, जो साथियों आपको पढ़ना है, जो टॉपिक में है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का जो है क्या है, इनके हयातो खिदमात के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है, तो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए ध्यान से मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो मुंशी प्रेमचंद का जो असल नाम है, असल नाम इनका था धमपत राय। क्या नाम था जी? एक एक करके बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट आप समझते चलेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जी। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हयातो खिदमात, मुंशी प्रेमचंद का जो असल नाम है, जी मुंशी प्रेमचंद का असल नाम जो है वो है धमपत राय। क्या नाम है? धमपत राय, याद रखिएगा, ये आपको पूछा भी जाएगा, धमपत राय मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है। इनके वालिद का नाम है अजायब लाल, जो एक डाक खाना में कलर के थे। ठीक है, और इनकी वालिदा का नाम है आनंदी देव। क्या नाम है? आनंदी देवी नाम है। ठीक है, याद रखिएगा।
पैदाइश जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी, जिला वाराणसी के मौजा मढ़वा के लिमही गांव है। साथियों लिमही गांव के नाम में तलफ्फुज में कोई दिक्कत हो सकती है, लम्ही या लिमही जो भी है, ये लिमही गांव नामी गांव है, ये गांव बनारस में पड़ता है। तो खुलासा ये निकला कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश जो है सन 1880 में बनारस में हुई थी। कहां हुई थी? बनारस में हुई थी। और अगर मैं बात करूं इनकी वफात के बारे में, तो मुंशी प्रेमचंद की जो वफात है 16 जून 1936 को इनकी तबीयत अचानक खराब होती है और 18 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल हो जाता है। देखिए 1936 जो है ये बहुत ही अहम है। अजायब लाल वाले थोड़ा सा रुक तो जाइए, ठीक है साथियों। 1936 जो है ये बहुत ही अहम है और 1936 में ही तरक्की पसंद तहरीक की भी पहली कुलिंदे कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है याद रखेंगे। और 1888 में मुंशी प्रेमचंद के वालिदा का इंतकाल हो गया था जी, आनंदी देवी का। तो 1892 में वालिद ने इनकी दूसरी शादी कर ली थी, किनकी? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। अच्छा एक बात यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, मुंशी प्रेमचंद का जो पहले असल नाम था अजायब लाल नाम था, क्या नाम था? अजायब लाल। और 1910 में साथियों ये इस नाम को चेंज करके अपना धमपत राय, ये मतलब के मुंशी प्रेमचंद से ये आगे मशहूर हुए, ठीक है। चलिए अभी आगे डिटेल में आपको आएगा। 1896 में साथियों क्या होता है, मुंशी प्रेमचंद की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में एक जमींदार घराने में कर दी जाती है। कितने साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में। और 1898 में प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीजन से पास किया था। किससे साथियों? सेकेंड डिवीजन से पास किया था, ठीक है। और 1901 में मुंशी प्रेमचंद ने एक नाविल्ट एक मामू का रूमान, नाविल्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, एक होता है नाविल और उससे जो छोटा होता है ना जिसमें प्लाट वगैरह नहीं होता उसको बोलते हैं नाविल्ट। तो इन्होंने एक नाविल्ट लिखा जिसका नाम था एक मामू का रुमाल, रुमान लिखकर अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया। याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद की जो सबसे पहली नाविल है उसका नाम क्या है? नाविल्ट एक मामू का रुमान, ठीक है याद रखिएगा जी। और 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी को प्रेमचंद का पहला नाविल असरारे माबिद, ठीक है, बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज खुल्क में किस्तवार छपा। क्या साथियों कहा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला नाविल है उसका नाम है असरारे माबिद, जो कि 1903 ईस्वी में, कब 1903 ईस्वी में साथियों, कहां पर? एक बनारस से एक हफ्तावार अखबार निकलता था जिसका नाम था आवाज़े खुल्क। क्या नाम था? आवाज़े खुल्क। इससे ये साथियों छपा, कौन सा? असरारे माबिद। तो मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले एक नाविल्ट लिखा जिसका नाम था एक मामू का रुमान। और इनकी जो सब देखिए नाविल्ट और नाविल में फर्क है, नाविल्ट छोटा होता है नाविल बड़ा होता है, बस इतना सा मुख्तसर में आप याद रख लीजिए। तो असरारे माबिद जो इनकी सबसे पहली नाविल है और ये आवाज़े खुल्क में छपी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे है, 1905 में प्रेमचंद ने दूसरी शादी जिला फतेहपुर की एक बेवा औरत से की थी। किससे की थी? बेवा औरत से की थी, ठीक है, एक बेवा औरत से शादी की थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 1921 में, कब 1921 में मुंशी प्रेमचंद ने तहरीक अदम ताउन के सिलसिले में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। देखिए अदम ताउन तहरीक का मतलब यह हुआ कि असहयोग आंदोलन जो कि साथियों चल रहा था, जो कि 1920 से 1922 तक चला था, तो उसमें यही ना हुआ था कि हमें सहयोग नहीं करनी है किसका? अंग्रेजों का। और जो लोग वकील थे, मुलाजमत में थे, सरकारी ओहदों में थे, वो लोग इस्तीफा दे रहे थे। तो उसी में मुंशी प्रेमचंद ने भी 1921 में साथियों क्या किया, तहरीक अदम ताउन तहरीक यानी कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया साथियों जी, इन्होंने भी क्या किया, मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। कब? 1921 में। 1923 में प्रेमचंद ने फिराक की शिरकत से बनारस में एक सरस्वती प्रेस कायम किया। ये भीवीआई है, इसको याद रखिएगा। पूछा ये जाता है सरस्वती प्रेस कहां कायम किया गया, तो बनारस में। किसने कायम किया? तो मुंशी प्रेमचंद ने जी। और ये भी पूछा जाएगा सरस्वती प्रेस के खालिक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है
याद रखेंगे इसको, सरस्वती प्रेस। चलिए आगे है कि 1929 की बात है। 1929 में मुंशी प्रेमचंद ने माहनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए। किसके? माहनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए। उसके बाद साथियों फिर आगे आता है 1929 के बाद 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया। क्या क्या? रिसाला हंस। याद रखिएगा ये भीबीआई है, आपको पूछा जाएगा रिसाला हंस के बानी कौन है, खालिक कौन है, ये आपको पूछा जाता है। जैसे साथियों मखजनी अखलाक आपको पूछा जाता है जी, इसी तरह आपको क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो रिसाला है उसके बारे में पूछा जाता है, अल हिलाल के बारे में पूछा जाता है जी, अल बलाग के बारे में पूछा जाता है। तो इसी तरह रिसाला में भी आपको जो है हंस रिसाला मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी में साथियों किस प्रेस से, सरस्वती प्रेस से जारी किया था। देखिए इतना ज्यादा कमेंट न करें, ज्यादा अच्छा होगा। ये फालतू का जो आप कमेंट करके पूरा माहौल खराब न कीजिए, पूरी बातों को सुनिए साथियों। पूरे आप जब तक लेक्चर को नहीं सुनेंगे एक हिस्से से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, पूरे को सुनिए और जब उसमें फिर आपको कोई डाउट होगा आप पूछेंगे, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए, ऐसा ना हो कि आप जो है उधर लिखने के चक्कर में इधर अक्सर लोगों के साथ क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए। चलिए तो हमने क्या पढ़ा कि रिसाला हंस जो है मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से इन्होंने जारी किया था। ठीक है, 1931 में प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण, अभी एक दैनिक जागरण निकलता है ये नहीं बल्कि जागरण का इजरा बनारस से किया था। तो हमें दो चीज पता चला कि प्रेमचंद ने जागरण नामी एक अखबार 1931 में निकाला। क्या? 1931 में निकाला। 1931 में क्या साथियों? जागरण नामी एक अखबार निकाला और 1930 में क्या है ये एक हंस नामी एक रिसाला इन्होंने जारी किया। क्या? एक हंस नामी रिसाला इन्होंने जारी किया। चलिए 1934 में मुंशी प्रेमचंद जी फिल्म मिल मजदूर, क्या मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए फिल्म डायरेक्टर क्या कहते हैं क्या फिल्म डायरेक्टर भवानी की दावत पर मुंबई गए। यानी कि 1934 में मुंशी प्रेमचंद कहां चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं और वो एक मिल मजदूर जो है इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए। ये तौसीफ आलम साहब क्या हो गया आपको भाई, कमेंट तो रोक दीजिए, बार बार समझाया जा रहा है, नाम लिया जाएगा तभी समझ में आएगी बात, कमेंट रोक दे भाई। चलिए उसके बाद आपको है 1935 में प्रेमचंद फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहकर बनारस आ गए। ये जो 1934 में साथी मुंबई गए थे फिर वहां पर कुछ इनकी नहीं बनी और कुछ उठापटक हो गया जिसके कारण ये 1935 में आ गए बनारस। ठीक है, अब उसके बाद है 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली अजलास की सदारत जो कि लखनऊ में हुई थी मुंशी प्रेमचंद ने की थी। देखिए ऐसे तरक्की पसंद तहरीक जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, उसमें आपको बताऊंगा कि ये तरक्की पसंद तहरीक क्या है, इसके बानी कौन थे और इसको साथियों क्यों बनाया गया, क्या क्या इसके मकसद थे, ये चीज अलग होगी। लेकिन याद रखिए कि तरक्की पसंद तहरीक जो है ना ये एक तहरीक है और इसको पढ़ना है। लेकिन इनका सबसे पहला जो इजलास है वो लखनऊ के अंदर हुआ था और 1936 में हुआ था और इसको मुंशी प्रेमचंद ने साथियों इसकी सदारत की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह मुंशी प्रेमचंद की वफात भी है 1936 में ही होती है। तो यहां तक मुंशी प्रेमचंद जिसकी पैदाइश जी 1880 में हुई थी और ये 1936 में आकर साथियों इनकी वफात हो जाती है। गोया के इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की सदारत के बाद इस दुनिया को खैराबाद का। उसके बाद आगे बात करते हैं प्रेमचंद के कुछ अहम अकवाल, ये आपको बहुत ही बेस्ट मस्त है साथियों, आपको पूछा जाएगा और इसको आप ध्यान से देख लीजिए। हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। मुंशी प्रेमचंद ने जो है 1936 में जो लखनऊ में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस चल रहा था जब उसकी सदारत किए थे तो उसमें जब इन्होंने खुतबा पढ़ा था तो उसी में उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। फिर उसके बाद आगे है उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज हुआ है जो मुझे हो जाएगा। ये साथियों मुंशी प्रेमचंद का कौल है। किनका कौल है? मुंशी प्रेमचंद का। उसके बाद आगे है जी हमारी कसौटी पर अब वो खड़ा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो,
हुस्न का जौहर हो, तामीर जी क्या हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो। यह भी मुंशी प्रेमचंद ने साथियों तरक्की पसंद तहरीक के जो उन्होंने पढ़ा था खुतबा उसमें, हमारी कसौटी पर अब वो खड़ा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो। उसके बाद आगे है, मुझे ये कहने में तअम्मुल नहीं कि मैं और चीजों की तरह फन को अफादियत की कसौटी पर परखता हूं, बेशक फन का मकसद हुस्न की तखलीक है। यानी ये आप लोग मान के चलिए कि हमें मानना नहीं है, मतलब हमको मानना ही नहीं है, कुछ ना कुछ लिखते रहना है ताकि बने रहेंगे, ठीक है, यानी लास्ट क्लास तक बने रहेंगे, ये मान के चलिए आप, ठीक है भाई साहब, मान जाओ अल्लाह के वास्ते यार, पढ़ाने दे दो, ठीक है, आपको कुछ भी पूछना होगा यार बाद में पूछ लेना। चलिए, अगर आप हमारे पैड मेंबर होंगे तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाने दीजिए, थोड़ा एक माहौल बनाने दीजिए, डिस्टर्ब करने का कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, मुझे यह कहने में तअम्मुल नहीं कि मैं और चीजों की तरह फन को अफादियत की कसौटी पर परखता हूं, बेशक फन का मकसद हुस्न की तखलीक है और वो हमारी रूहानी मुसर्रत नहीं जिसको हम ख्वाहिश करते हों, जो अफादियत का पहलू न रखती हो। ये भी साथियों क्या है, आपका मुंशी प्रेमचंद का कौल है। अदब उस तखलीक को कहेंगे जिसमें किसी सच्चाई का इजहार हो, जिसकी जबान में पुख्तगी कैफियत अदा और हुस्न हो, और जिसमें दिलो दिमाग को मुतासिर करने की सलाहियत हो, और अदब में ये सलाहियत पूरी तरह उस सूरत में पैदा होती है जब इसमें जिंदगी की हकीकतें और तजर्बात समोए होंगे, क्या समोए होंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे है फिर कि फाका और उड़ियानी में हुस्न मौजूद हो सकता है, उसे शायद वो तस्लीम नहीं करता, उसने तय कर लिया है कि रंगीन होठों और रुखसारों और अबरुओं में फिलवाकई हुस्न मौजूद है, उलझे हुए बालों पेड़िया पड़े होठों और रुखसारों में हुस्न कार का गुजर कहां, लेकिन ये उसकी तंग नजरी का तसव्वुर है। ये मुंशी प्रेमचंद के कौल है, ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं जूम कर दूंगा जी, अभी आप तो सिर्फ सुन लीजिए, बस यही फायदा करेगा, और अब मैं आपको जूम कर दूंगा, ठीक है, याद रखिए। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाकिस है, ठीक है, ये भी मुंशी प्रेमचंद का कौल है। अब साथियों यहां से बहुत ही अहम और बहुत बारीक बारीक चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। मुंशी प्रेमचंद के नाविल कौन कौन से नाविल है, तो मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला नाविल है साथियों, उसका नाम है असरारे महाबिद। क्या नाम है? असरारे महाबिद। ये नाविल 1903 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। यह मुंशी प्रेमचंद का पहला और नामुकम्मल नाविल है। देखिए, पहला नाविल भी है लेकिन नामुकम्मल है, जो हफ्तावार अखबार आवाज खुल्क के अंदर किस्तवार साथियों ये क्या होता था, छपता था। 1903 से लेकर 1905 तक यह नाविल शाये हुआ, किसमें, जो हफ्तावार आवाज खुल्क नामी एक रिसाला था, कौन सा, वो सबसे पहला असरारे महाविद, जो कि एक नामुकम्मल नाविल है, लेकिन मुकम्मल होने से पहले ही इसकी आशात बंद हो गई, इसलिए ये नाविल जो है अधूरी रह गई। अब आपको कोई पूछ सकता है कि अरे भाई, मुंशी प्रेमचंद की वफात 1936 में हुई थी और उन्होंने सबसे पहली नाविल 1903 ईस्वी में लिखी असरारे महाविद नाम का, फिर और ये नाविल नामुकम्मल कैसे रह गया? तो इसका आंसर है, चूंकि ये नाविल एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खुल्क में जी 1903 से 1905 तक सिलसिलावार शाये हुआ, लेकिन मुकम्मल होने से पहले ही इसकी आशात बंद हो गई थी, इसीलिए कहा जाता है कि यह नाविल भी अधूरी और नामुकम्मल रह गई, ठीक है, याद रखिएगा जी। उसके बाद आगे है 1910 से पहले, देखिए यह अलग चीज है कि मुंशी प्रेमचंद जो है इनका नाम धमपत राय तो है, लेकिन धमपत राय में भी साथियों आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, लेकिन इतना सा याद रखिए कि साथियों 1910 से पहले, क्या 1910 से पहले मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, इसलिए इस नाविल में मुसन्निफ की जगह जो है धमपत राय उर्फ नवाब राय है।
याद रखिएगा, धमपत राय उर्फ नवाब राय है, ठीक है। लेकिन चचा का दिया हुआ ये दूसरा नाम उनको साथियों नवाब राय भी पसंद था, ये नाम जो है ना उनको चचा ने दिया था नवाब राय का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेमचंद का जो असल नाम था वो था धमपत राय, लेकिन 1910 से पहले साथियों नवाब राय भी इनके चचा ने इन्होंने नाम दिया था। अब आपको एक बात ये याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद की जो सबसे पहली नाविल असरारे महाविद जो कि एक नामुकम्मल नाविल है, इसमें मुंशी प्रेमचंद का मुसन्निफ की जगह क्या नाम है, तो चूंकि आप तो ये जाने हुए कि धमपत राय, अब धमपत राय कह दीजिएगा, नहीं साथियों, धमपत राय उर्फ नवाब राय भी इनका नाम था। नवाब राय जो है ये इनके चचा ने इनको दिया था, लेकिन 1910 से पहले ये नवाब राय भी कहकर पुकारे जाते थे, ठीक है, याद है। अब ये है साथियों कि हम खुरमा वो हम सवाब, ये 1905 में नाविल का मौजू बेवा औरतों की शादी के मसाइल पर मबनी है। नाविल का मरकजी किरदार ये भी साथियों एक नाविल है, प्रीमा, क्या प्रीमा है, जो हम खुरमा वो हम सवाब का हिंदी तर्जुमा प्रीमा के नाम से 1907 ईस्वी में शाये हुआ जी। अब खुलासा ये निकला कि मुंशी प्रेमचंद का एक नाविल जो है हम खुरमा वो हम सवाब, ये साथियों प्रीमा नाम से भी क्या हुआ था 1907 में शाये हुआ था, लेकिन ये नाविल पहले 1905 में ही साथियों उर्दू नाविल शाये हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका है जी कृष्णा, कृष्णा जो है ये 1906 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद आपका है साथियों रूठी रानी, क्या नाम है उसका, रूठी रानी जो है ये 1907 ईस्वी में, ये नाविल जमाना कानपुर से शाये हुआ था। मुंशी प्रेमचंद कुछ दिन साथियों क्या था कानपुर में भी थे, तो वहां पर ये नाविल शाये हुआ था, कौन, रूठी रानी। उसके बाद आपका है जुलूहे ईसार, ये 1912 ईस्वी में ये नाविल साथियों मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, ये एक सवानिह नाविल है। सवानिह नाविल का मतलब हुआ किसी के जिंदगी के बारे में ये, जिसमें स्वामी विवेकानंद की जिंदगी और शख्सियत को क्या किया गया साथियों, शख्सियत को नाविल का मौजू बनाया गया है, ठीक है, कौन सा नाविल में, तो जुलूहे ईसार में। और इसके जो अहम किरदार हैं स्वामी बालाजी, प्रताप चंद और ब्रिजन और कमला चंद, क्या साथियों, कमला चंद इसके अहम किरदार हैं। आपको यह पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा नाविल है जो एक सवानिह नाविल है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जिंदगी यानी हयात व खिदमात पर है, तो उस नाविल का नाम है जुलूहे ईसार, क्या नाम है, जुलूहे ईसार, जो कि 1912 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है जी। ठीक है, और ये नाविल यानी जुलूहे ईसार जो है 1921 में हिंदी में वरदान के नाम से शाये हुआ था, याद रखिएगा, वरदान अब हिंदी लफ्ज है। तो साथियों अब हमको दो चीजें याद रखनी है कि जो अब मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी जो नाविल है वो उर्दू हिंदी दोनों में छपी है, ठीक है, तो वरदान नाम से कौन सी नाविल छपी, तो जुलूहे, साथियों क्या नाम है आपका, जे, आपका जो है जुलूहे, जे जुलूहे ईसार नाम से जो है ये मुंशी प्रेमचंद का ये नाविल साथियों पहले 1912 ईस्वी में शाये हुआ था, लेकिन यही नाविल जो है 1921 ईस्वी में किस नाम से, वरदान नाम से शाये हुआ था। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का जो है बाजारे हुस्न, ये भी एक नाविल है, 1916 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने इसे लिखा था, और ये नाविल हिंदी में सेवा सदन, क्या, सेवा सदन के नाम से 1918 में साथियों शाये हुआ था, कौन, बाजारे हुस्न। उसके बाद आपका है गोशाए मोहब्बत, क्या, गोशाए मोहब्बत, 1920 ईस्वी में इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, ये नाविल हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से शाये हुआ था, याद रखिएगा, प्रेम आश्रम के नाम से, तो गोशाए मोहब्बत। उसके बाद आपका है चौगाने हस्ती, चौगाने हस्ती, ये 1927 में ये नाविल जी, और ये नाविल जो है 1924 में पहले हिंदी में रणभूमि के नाम से शाये हो चुका था, यानी चौगाने हस्ती साथियों उर्दू में 1927 में, और उर्दू से पहले ये हिंदी में रणभूमि के नाम से ये नाविल शाये हो चुका था। उसके बाद आपका है पर्दाए मजाज, क्या, पर्दाए मजाज, 1928 में इस नाविल के किरदार जी मनोरमा और चक्करधर हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका है निर्मला, निर्मला साथियों
पहले हिंदी में यह नावल 1923 में शाया हो चुका था। याद रखेगा निर्मला भीवी आई है, आपको पूछा जाता है निर्मला के बारे में बार बार कि यह नावल किसने लिखा। इसी तरह चौगाने हस्ती भी साथियों ये पूछा जाता है कि यह नावल किसने लिखा। उसके बाद आपका है साथियों देवा, जो कि 1927 में यह नावल हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से शाया हुआ था। कौन सा? देवा। उसके बाद आपका है गबन। गबन जो है ये 1932 में, इस नावल का मौजू औरतों में जेवरात के शौक हैं। गबन भी आई है मुंशी प्रेमचंद के नावलों में अक्सर साथियों। गबन हुआ, बेवा हुआ, जी ये सब आपको पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका है मैदान अमल। जी मैदान अमल 1932 में कर्म भूमि के नाम से भी ये आपका शाये हो चुका है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर और मारूफ जो के साथियों आखिरी नावल है, उसका नाम है गऊदान। क्या नाम है? गऊदान। और ये नावल 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। और गऊदान एक ऐसी नावल है जो कि उर्दू और हिंदी दोनों में साथियों शाये हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र जो है प्रेमचंद का नामुकम्मल और आखिरी नावल है। इसको प्रेमचंद ने बीमारी की हालत में शुरू किया था। सॉरी शायद कि मैंने गऊदान के बारे में आपको नामुकम्मल कह दिया, नहीं साथियों ये मुकम्मल है, याद रखिएगा। गऊदान जो है ये एक नामुकम्मल नाविल नहीं है बल्कि ये मुकम्मल नाविल है। ठीक है जी, इसको आप यहीं पे दुरुस्त कर लेंगे। गऊदान जो है ये आपका एक मुकम्मल नाविल है जी। क्या है? मुकम्मल नाविल है। ठीक है, और ये 1936 ईस्वी में लिखा गया था। और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने मंगल सूत्र जो कि प्रेमचंद का नामुकम्मल और आखिरी नावल है, इसको प्रेमचंद ने बीमारी की हालत में शुरू किया था लेकिन इंतकाल के बाद मुकम्मल न हो सका। और इंतकाल के बाद प्रेमचंद के साथियों लड़के जिसका नाम था अमृत राय, इन्होंने इस नावल को हिंदी में शाया किया और उसके बाद ये नावल जो है उर्दू में भी छपा था। ठीक है, ये कुछ खुलासा थे मुंशी प्रेमचंद की हयात व खिदमात के बारे में। और हमने इसमें यह भी जाना कि मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश है 1880 ईस्वी में हुई थी, वफात 1936 ईस्वी में हुई थी। और इनका असल नाम धमपत राय, और साथियों क्या धमपत राय, क्या नाम था? धमपत राय मुंशी प्रेमचंद का। और इनके चचा का साथियों एक और नाम दिया था जिसका नाम था नवाब राय। क्या नाम था? नवाब राय मुंशी प्रेमचंद का। लेकिन नवाब राय जो है ये 1910 से पहले ही मुंशी प्रेम जानते थे। ठीक है, इसलिए साथियों असरारे महाबिद जो है उसमें नवाब राय भी आया है। अब उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का जो है नाविल जो कि गऊदान है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इसका खुलासा आपको बताया भी था कि गऊदान में हुरी नाम का एक शख्स है जो किसान होता है, उसकी बीवी जिसका नाम है दुनिया, ठीक है, और होरी के साथियों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गोबर और रूना जी। और आगे चीजें साथियों इसमें आपको क्लियर होती चलेंगी। ये सभी चीजें मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। अब एक एक इबारत को पढ़ूंगा और उस पर साथियों में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते चलूंगा। ठीक है, नाविल गऊदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नाविल है। देखिए दो सवाल आपसे किया जाएगा, एक तो यह है कि अगर आपसे मुतलक ये पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का सबसे आखिरी नाविल कौन सा है, तो सबसे आखिरी नाविल जो है ना वो मंगल सूत्र है। क्या है? मंगल सूत्र। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का सबसे आखिरी मुकम्मल नाविल कौन सा है, तो गऊदान जो है ना साथियों ये आपका मुकम्मल नाविल है। कौन सी? कैसा नाविल है? मुकम्मल नाविल है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे आखिरी नाविल मंगल सूत्र है, और अगर ये क्वेश्चन पूछे सबसे आखिरी और नामुकम्मल, तब भी मंगल सूत्र, क्योंकि मंगल सूत्र मुकम्मल नहीं हुआ था। और अगर आपको उसमें मुकम्मल शब्द लग जाए तब आपका हो जाएगा गऊदान, क्योंकि गऊदान मुंशी प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में साथियों इसको लिखा था। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद आगे है नाविल गऊदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नाविल है, जिसे उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में मुकम्मल किया और 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से पहले हिंदी में शाया हुआ। और फिर मुंशी प्रेमचंद की वफात के बाद 1937 में साथियों क्या हुआ, मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में शाया हुआ। गऊदान के बारे में दो तीन पॉइंट यहां पर हमें आउट करना है। एक नंबर में ये कि गऊदान कब लिखी गई,
तो 1932 में मुंशी प्रेमचंद ने इसको शुरू किया था और 1935 में गौदान नावल मुकम्मल हुआ और 1936 में पहली बार सरस्वती प्रेस, जो के साथियों मुंशी प्रेमचंद ने ही कायम किया था जी, सरस्वती प्रेस से पहली बार हिंदी में शाये हुआ था, लेकिन उर्दू में जो है 1937 में साथियों मकतबा जामिया दिल्ली से, कहां से, मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। याद रखिएगा, अब आपको कोई पूछे कि गौदान कब शाये हुआ था, तो साथियों 1936 में पहले हिंदी में शाये हुआ था, 1937 में उर्दू में शाये हुआ था। अगर वही में क्वेश्चन लग जाए कि गौदान उर्दू नाविल कब शाये हुआ था, उर्दू में कब शाये हुआ था, तो आपको याद रखना 1937। ये सब पॉइंट जो है ना बहुत अहम है साथियों, इसमें पता ये चलेगा कि आप सही से पढ़े हुए हैं। नाविल गौदान का प्लाट मुकम्मल और मरबूत है, इसका प्लाट गांव से मुताल्लिक है, लेकिन इसके प्लाट में पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। किसमें साथियों, गौदान में। नाविल गौदान एक जखीम नाविल है, इसमें 36 अबवाब है। कितने अबवाब है, 36 अबवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। गौदान में मुंशी प्रेमचंद ने उस वक्त के समाज, किसान, मजदूर और सरमायादारों की कश्मकश किया, क्या किया था, इन्होंने मौजू बनाया था। अब इसका मुकम्मल खुलासा हम लोग साथियों पढ़ने चल रहे हैं, किसका, जी नाविल गौदान का। मुख्तसर खुलासा यह है कि नाविल गौदान का महबूर और मरकजी किरदार बेलारी गांव का, या फिर बेलारी गांव भी आता है, बेलारी गांव का किसान था एक, जिसका नाम था होरी। क्या नाम था साथियों, होरी नाम था। इसकी जिंदगी ये रवादही इस नाविल की कहानी है, यानी इसकी पूरी जिंदगी जो है वो यही नाविल की कहानी है। किसका साथियों, होरी नाम के एक बिल्लारी गांव के एक किसान, ठीक है। और साथियों क्या है, होरी राय अगरपाल सिंह के गांव का एक अदना काश्तकार था, यानी उसी गांव में एक अगरपाल सिंह भी था। आगे भी आपको पता चलेगा कि अगरपाल सिंह कौन है। इसका कुंबा, यानी होरी का जो कुंबा है, उसकी बीवी जिसका नाम था धुनिया और उसके लड़के का नाम था गोबर और दो लड़कियां थी रूपा और सोना। यहां पे क्लियर हो जाइए आप कि जो होरी है उसकी बीवी का नाम धनिया या फिर धुनिया, उसके बेटे का नाम गोबर, उसकी बेटी का नाम रूपा और उसकी बेटी का नाम सोना। ये गोबर जो है ना ये बड़ा लड़का होता है और साथियों याद रखेंगे, ठीक है। और पर मुश्तबिल है 3-4 बीघा जमीन की पैदावार क्या होता है उसको, होती है होरी को, और इस कुंबा उसी पर गुजर करता है। साल में ऐसे दिन कम होते हैं जब वह दोनों वक्त पेट भरकर खाना खाते हैं। कौन, होरी। होरी कर्ज के भारी बोझ से दबा कुचला रहता है। एक सीधा साधा नेक दिल और ईमानदार साथियों इंसान होता है, कौन, होरी। लेकिन अपनी कर्ज और जरूरत के लिए खुश आमद और मकरू फरेब भी से दरेग नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपनी जरूरत पूरे करने के लिए कभी कभी आपको मकरो फरेब भी करना होगा। अपने दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई देखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू होती है। अभी भी आपको पता है, जो लोग गांव में होंगे, हालांकि पैसे की कमी नहीं होती है, आपको पता होगा साथियों शौक से गाय लोग पालते हैं, शौक से मवेशी पालते हैं। हम लोगों के यहां भी ऐसा होता है, राजस्थान वगैरह में भी होता है जी, आप इसी तरह आप भी देख सकते हैं। तो यही जो है ना होरी की भी एक ख्वाहिश रहती थी हमेशा कि हमारे जो है दरवाजे पर एक गाय हमेशा बंदी हो, ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी। होरी भोला अहीर को, अब ये भोला अहीर आगे पता चलेगा अभी आपको कौन है, भोला अहीर को दूसरी शादी की लालच देकर उससे एक गाय हासिल कर लेता है। भोला अहीर साथियों ये दूसरी शादी करवाता है यही होरी, और उसके एवज में होरी को एक गाय मिलती है। लेकिन उसका भाई हीरा, किसका भाई, होरी का भाई, एक नाम साथी उसका नाम था हीरा, उसकी इस खुशबख्ती पर जल बैठता है और मौका पाकर गाय को जहर दे देता है जी। किसकी गाय को, होरी के गाय को, कौन देता है, हीरा देता है। ये हीरा कौन है, तो होरी का भाई है। होरी की आरजू और खुशी आरजी साबित होती है, यानी जो होरी की जो खुशी थी वो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है क्योंकि इसकी गाय मर चुकी है। उसी जमाने में भोला की बेवा लड़की जिसका नाम होता है झनिया, क्या नाम होता है, झनिया से गोबर का ताल्लुक हो जाता है। ये गोबर कौन है, ये गोबर साथियों होरी का बेटा है। जिस समय गाय मरती है तो उसी समय भोला की एक बेवा लड़की जिसका नाम होता है झनिया, इससे ताल्लुक गोबर का हो जाता है और वह उसे अपने घर ले आता है। कौन, गोबर। किसको ले आता है, झनिया को।
लेकिन होरी के खौफ से शहर भाग जाता है। अब होरी अपने कभी न खत्म होने वाले मसाइब के मुकाबला के लिए तन्हा रह जाता है। झनिया को घर में रखने के जुर्म भी बिरादरी और मजहब के ठेकेदार उससे तावान लेते हैं, यानी कि उससे वसूलते हैं, उस पर फाइन करते हैं। फसल की सारी पैदावार उनकी नजर हो जाती है, यानी यह कह दिया जाता है कि इस बार जितना भी साथियों आपको फसल होगा, ये सारे के सारे आपको इसी जुर्म में देना होगा। किसको? होरी को। और उधर भोला अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेता है। भोला की लड़की थी झनिया, तो वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेता है और गाय के बदले में होरी के बैल को खोल ले जाता है। होरी के पास एक बैल भी था, चूंकि गाय तो मर चुकी थी, और वो तो क्या करता है, बैल को भी खोल ले जाता है। होरी पैसा पैसा को मोहताज हो जाता है, उसके बच्चों को एक वक्त की रोटी भी मिलना दुश्वार हो जाता है। गोबर जब कुछ पूंजी जमा करके जब शहर से गांव वापस आता है, तो धनिया और होरी की अफसुर्दा और उजड़ी हुई जिंदगी जैसे बाहर आ जाती है। क्योंकि गोबर जो है धनिया को लाकर यहां रखता है और वो शहर भाग के चला जाता है, वहां पैसा कमाकर जब आता है तो उस वक्त तक होरी बहुत गरीब हो जाता है और उसकी बीवी भी। जब उसका बड़ा बेटा आता है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा तो कमा कर लेकर आया। लेकिन क्या होता है, लेकिन अब गोबर एक सीधा साधा किसान नहीं, जमाने के हालात शुऊर रखने वाला एक होशियार मजदूर बन जाता है। उसके पास अकल हो जाती है, कहते ना पैसा आने के बाद अकल हो जाती है। वो देख रहा है कि गांव के मजदूरों की बदहाली और गरीबी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जमींदार, सरकारी अम्माल, साहूकार, मजहबी ठेकेदार उन्हें बेरहमी से लूट रहे हैं। गोबर अपनी बेवी झनिया और बच्चा को लेकर शहर से चला जाता है। ठीक है जी, कहां चला जाता है, गांव से शहर चला जाता है। इसी दरमियान क्या होता है, जो सोना और रूपा जो होती है, उसकी बहन जवान हो गई है, लेकिन होरी के पास इतना पूंजी कहां कि उनका ब्याह करावे। गन्ने की फसल पर आस लगाए बैठा था, जमींदार ने बकाया लगान की डिग्री करा के उसे भी नीलाम करा लिया, यानी सारे पैसे फसल के ले लिए। आखिरकार कर्ज उधार लेकर किसी तरह उसने सोना का ब्याह कराया, जो सोना उसकी बेटी थी। अब वो सर पैर तक कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। मुसलसल शिकस्तों ने उसके हौसलों को पस्त कर दिया। ऐसे ही होता है साथियों जिंदगी में, जब आप कोई काम करेंगे तो आपका सक्सेस नहीं होता है तो आप बहुत पस्त हो जाते हैं, सारे लोग आपको लान तान कहेंगे, ताना ठोकेंगे। आप ऐसे ही और भी साथियों क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वही हाल इस बेचारे होरी के भी साथ हुआ। खेती करने के लिए बैल नहीं, क्योंकि बैल खोल कर लेकर चला गया था, इसलिए मजदूरी करके पेट पालने लगा होरी। साहूकार उसकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो अपने पुरखों की इस निशानी को किसी कीमत पर जुदा करने के लिए तैयार नहीं। आज भी गांव में साथियों कुछ लोग होते हैं जो भूखे तो रहते हैं लेकिन वो जमीन बेचना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी, लेकिन वो अपने पुरखों की शनाख्ती को क्या करते थे, खत्म करना नहीं चाहते थे। बकौल प्रेमचंद, हारे हुए राजा की तरह उसने अपने आप को उस खेत की किला में बंद कर दिया था। फाके किए बदनाम हुआ, लेकिन किला को हाथ से जाने न दिया। ये मुंशी प्रेमचंद ने उनके बारे में कहा है। किनके बारे में? होरी के बारे में। याद रखिएगा, ये कोट किया हुआ इनवर्टेड कॉमा में, हो सकता है ये आपको पूछा जा सके। हारे हुए राजा की तरह उसने का मतलब होरी ने, अपने आप को उस खेत की किला में बंद कर दिया था। फाके किए बदनाम हुआ, लेकिन किला को हाथ से जाने न दिया। यहां भी साथियों इनवर्टेड कॉमा है, ये मुंशी प्रेमचंद का कॉल है। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ये कॉल किनका है, तो मुंशी प्रेमचंद का। किसके बारे में उन्होंने कहा, तो होरी के बारे में। होरी किस नाविल का किरदार है, तो गौ उदान का। अब उसे बचाने के लिए, किसे, होरी को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी रूपा को बूढ़े राम सेवक के हाथ 200 रुपए में बेच दिया था। याद रखिएगा, बूढ़ा राम सेवक के हाथ में कितने रुपए बेचा था, 200 रुपए में। बाप दादा की निशानी तो बच गई, लेकिन अभी उसका गाय पालने का अरमान पूरा ना हुआ था। यानी साथियों जमीन तो बच गया, लेकिन वो अब भी चाहता था कि हम गाय पालें। इसके लिए वो दिन रात मजदूरी करने लगा गाय के लिए, लेकिन एक तपती दोपहर के लू के आतिशी झोंकों ने उसके नातवां जिस्म को फूंक दिया। यानी एक बार दोपहर में इतनी लू चली कि वो कमजोर था, उसको लू लग गई। और साथियों क्या हुआ, घर आते आते गाय पालने का अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सिर्फ मौत ही उसकी जिंदगी भर के दुखों और मजरूमियों और शिकस्तों को नजात दिला सकी। यानी खुलासा ये निकला कि उसकी मौत हो गई लू की वजह से। होली के आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पंडित गाय का दान यानी गौदान करने के लिए कहता है। याद रखिएगा, भी आई है,
जब आखिरी रसूमात होती है तो उसमें साथियों क्या बोला जाता है, जो होली का जो पंडित जी आते हैं वो कहते हैं कि पंडित गाय का दान करने के लिए कहते हैं, कहते हैं कि गाय दान कीजिए। क्यों? इसलिए कि होली को गाय पालने का शौक था, वो इच्छा इनको नहीं हुआ, इसलिए इनकी नाम पर एक गाय को दान कीजिए। इसीलिए इस नावल का नाम गौदान पड़ता है। साथियों याद रखेंगे, जो शख्स जिंदगी भर अपने दरवाजे पर गाय बंधी हुई देखने का ख्वाहिशमंद था और ये अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया, उसकी घरवाली उसे से कहा जाता है कि वो गौदान करे, यानी पंडित जी उसकी घरवाली से कहते हैं कि आप गौदान कीजिए। क्यों कीजिए? इसलिए कि ये हमेशा ये गाय पालने का शौकीन था। पंडित जब गौदान के लिए कहता है तो नाविल प्रेमचंद के अल्फाज में इस तरह खत्म हो गए जी। इसी तरह साथियों वहां पर ये नाविल खत्म होता है। अब आगे क्या है कि धनिया मशीन की तरह उठी, आज जो सतेली बेची थी जे उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडी हाथ में रख कर सामने खड़े हुए दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है न बछिया है न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गौदान है, और गश खाकर गिर गई। साथियों उसके पास जो क्या 20 आने पैसे थे वो पंडित जी को देकर कहती है हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये कहकर वो गिर जाती है उनकी बीवी। ठीक है, मरकजी किरदार क्या है इस नाविल का? मरकजी किरदार होरी और धनिया और गोबर नाविल गोदान के मरकजी किरदार है। होरी साथियों ये क्या है, इसका हीरो होता है, धनिया इसकी बीवी होती है, गोबर इनका लड़का होता है। ठीक है, उसके बाद रोना रूपा और साथियों सोना भी इस नाविल के मरकजी किरदार है। होरी इस नाविल का हीरो है, जिसे बड़े बड़े काश्तकार अदब से महतो कहा करते थे। क्या कहते थे? महतो कहा कहते हैं, जिसकी दिली ख्वाहिश क्या होती है कि उसके दरवाजे पर गाय बंधी हो। याद रखिएगा, होरी की दिली ख्वाहिश होती है, धनिया ये अहीर की बीवी होती है जी। ठीक है, याद रखिएगा, और सॉरी यहां पे अहीर की बीवी नहीं बल्कि धनिया जो है ये होरी की बीवी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये होरी की बीवी होगी, अहीर की बीवी नहीं होगी। उसके बाद आगे है, रूपा और सोना होरी की बेटियां और गोबर क्या है, होरी के बेटे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है साथियों आगे है झनिया। झनिया भी एक नाम आता है, होरी की बहू और गोबर की बीवी होती है। इसी को वो लेकर साथियों भाग के जाता है, भोला अहीर जी झनिया का बाप, जिसे होरी गाय लेता है, भोला अहीर। ठीक है, ये भोला अहीर के बारे में आएगा, तो झनिया जो होरी की पुतो है उसी का साथियों ये बाप, यानी के होरी का ये क्या है, संबंधी है। शोभा होरी का भाई रहता है, जो कि शोभा जिसका नाम रहता है क्या है, ठीक है, शोभा। अब उसके बाद एक नाम आएगा हीरा, इसमें कौन होता है, तो होरी का भाई जो गाय को जहर देता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, राय अगरपाल ये एक जमींदार होता है, राय अगरपाल, और दाता दीन ये साथियों क्या है, पंडित जी का नाम होते हैं। यही पंडित जी कहते हैं कि आपको क्या देना होगा जी, गाय क्या देना होगा जी, गौदान करना होगा। तो साथियों ये कुछ खुलासे थे और मुंशी प्रेमचंद के बारे में, हयातो खिदमात के बारे में थी। एक बहुत ही सेंसेटिव और कंट्रोवर्सी साथियों एक टॉपिक है, उसके बारे में भी आप लोगों के कमेंट आते हैं बार बार, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। साथियों अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार आप लाइक करेंगे, अभी जाएंगे नहीं। ठीक है जी, यूजीसी नेट की साथियों अगर आप तैयारी करनी चाहते हैं मुकम्मल तौर पे, तो आज ही हमारे इस ऑफिशियल ग्रुप से जुड़िए, और इससे जुड़ने से आपको फायदा यह होगा कि आप साथियों अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, सभी लोग बताएं कैसा लगा आज का ये क्लास, और इसका जो है प्रैक्टिस सेट वो आपको कल लगेगा। ठीक है जी, इसका प्रैक्टिस सेट आपको कल लगेगा, और साथियों D SSB के जो लोग भी फॉर्म भरने वाले हैं वो लोग तैयार हो जाइए। इसका जो आपका सेकेंड पेपर है उर्दू लैंग्वेज, उसकी तैयारी मैं आपको GS ऑनलाइन पे कराऊंगा। D SSB का जो है प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो कल साथियों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी अगर इसके एलिजिबल है तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, आपके पास अच्छा खासा समय है। फर्स्ट पेपर का किसी और जगह से कर लेंगे, सेकेंड पेपर आपको GS ऑनलाइन पे कराई जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, जी ओके, और उसके बाद
डीएसएसबी कौन भर सकता है, इस पर तो मैंने फॉर्म बिल्कुल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए और फिर उस पर आप देख लीजिए, उसके एलिजिबल होंगे तो भर सकते हैं। उसके लिए आपको बीए होना शर्त है और उसके लिए आपको सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और उसके बाद आपको साथियों बीएड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बीएड नहीं है, डीएलएड भी है तो फिर भी चलेगा, ओके। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और साथियों एक खान सर के बारे में है, बार बार मुझे भी कमेंट आता है कि उसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए खान सर के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो खान सर नाम क्या है ये भी बात अलग चीज है। एज अ टीचर, साथियों टीचर है तो उसकी तो बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर एक चीज का सबका क्षेत्र है। अगर मैं टीचर हूं और मैं डॉक्टरी का ज्ञान देने लगूं तो फिर साथियों क्या होगा, फिर जो डॉक्टर है वो क्या करेगा। तो खान सर के साथ जो कंट्रोवर्सी जो हुआ है साथियों, वो ये है कि वो टीचर है, अच्छी बात है, दुनियावी जानकारी देते हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने दीनी जानकारी दी है वो गलत जानकारी दी है जी। उनके हर एक वीडियो देखेंगे जहां भी उन्होंने साथियों धर्म के बारे में जानकारी दी है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। आप कई वीडियो हैं उसके, उसमें गलती है इसलिए, और वो एक धर्म विशेष को टारगेट जो है वो चीज गलत है। उनको न धर्म का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े आलिम लोग हैं, वो लोग उनके लिए हैं। अगर आप ही सारी दुनिया को संभालेंगे तो फिर और लोग क्या करेंगे। इसलिए साथियों हर चीज का अलग अलग है। जब अब उनको जो है, पहले वो न्यूज बनते थे, अब उनको न्यूज वाला टारगेट कर रहा है, उनको जिहाद ये वो समेटेगा कि जिहादी लोगों ने उनको फंसाया, ये किया वो किया। अब न्यूज वाले जो है उनसे टीआरपी वसूलेंगे, अब यहां से जो है कंट्रोवर्सी और होगा। न्यूज में आ गए हैं वो कहते हैं कि हम डरते नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपने जो बयान दिया है, जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। एक वीडियो साथियों उन्होंने बनाया था खाना काबा के बारे में, मक्का के बारे में, ठीक है। ये सभी को पता है कि जहां पर लोग हज करने जाते हैं, एक इस टाइप का जो काला सा आपको साथियों क्या मिलता है वहां पे जी, काला सा जो आपको बनाया रहता है, इसका नाम क्या है आप लोग पता है, आप लोगों को क्या नाम है इनका बताइए तो आप लोग। एक काला सा जो मिलता है जिसके चारों ओर सब लोग तवाफ करते हैं, इसका नाम क्या है आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसका नाम क्या है जी, जी बताइए इसका क्या नाम है। देखिए पढ़ाने के अंदाज से यह जरूरी नहीं है कि जितनी बातें बोलेंगे वो सारे सही होंगे, आपका पढ़ाने का अलग चीज है, वो अलग मेथड है, वो चीज अलग है, लेकिन आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उस पर आप लान तान करेंगे, गलत जानकारी देंगे, ये इशू बनता है जी। इसका नाम क्या है बताइए तो, हराम, हराम कहते हैं इसको, फौजिया फरीन हराम कहते हैं जी, काबा कहते हैं, अच्छा खाना काबा कहते हैं, ठीक है जी। इस वीडियो को अगर उनका देखेंगे आप, तो उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो काला वाला जो घर है इसको वो बता रहे हैं मक्का, क्या बता रहे हैं मक्का, जबकि साथियों ये मक्का नहीं है, मक्का उस पूरे शहर का नाम है, इसका नाम है खाना काबा, ठीक है ये। अच्छा इसी तरह आपको एक हरे मस्जिद की जो गुंबद मिलेगी उसको वो कह रहे हैं मदीना, क्या कह रहे हैं मदीना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मदीना कह रहे हैं, जबकि वो मस्जिद नबवी है, क्या है मस्जिद नबवी है, मदीना एक पूरे शहर का नाम है, वो एक मस्जिद नबवी है। अच्छा ये क्यों हुआ, इसलिए कि आपको ये ज्ञान जब नहीं था तो इस पर आपको इस टॉपिक पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपने गलत ज्ञान दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो लोगों को पता नहीं है वो तो इसको क्या समझेगा कि ये मक्का ही है, क्योंकि खान साहब ने बताया है। इसी तरह साथियों जो गुंबद वाला है, हरा गुंबद वाला, उसको वो मदीना समझेगा कि ये तो मदीना है क्योंकि खान साहब ने बताया है, तो ये मदीना नहीं है, वो तो मस्जिद नबवी है भाई, मदीने तो पूरे शहर के नाम है। ये गलत जानकारियां कैसी हुई, इसलिए कि आपने गूगल सर्च किया और गूगल ने जो बताया आपने वो कर दिया। इसलिए हर एक चीज का एक हद होता है, हर एक चीज का आपको अपने दायरे में रहना है। अगर सारी जिम्मेदारी एक ही टीचर ले ले तो फिर और लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े औलिया कराम है, तारीख दा है, फिर वो लोग क्या करेंगे। ये कुछ गलतियां हैं, बाकी आपको फैसला करना है कि आप क्या है नहीं है जी। और फिर आपको जैसे ही पता होगा साथियों, बहुत सारे लोग जो हैं, आप तारीख पढ़ेंगे तो कुछ लोग इस्लाम में भी ऐसे हुए हैं, भटकते भटकते यहां तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको वसीम रिजवी का ही नाम मैं लेता हूं, उन्होंने 27 आयत पर भारत ने पिटीशन डाल दिया। अब सुनने में आ रहा है कि वो 27 आयत को हटाकर एक अलग कुरान मजीद निकालेगा, तो जो शुरू जमाने में जब इस पर तनकीद हुई थी वहां पर भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए इसमें ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो
ये इसमें जो मेरा अपना मानना था वो ये है कि उनको धर्म विशेष के बारे में न करके जो आप जनरल जीके पढ़ाते हैं उसमें आप अच्छे हैं, उसमें आप पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। ठीक है, लाइक करना न करना ये तो अलग चीज है, ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि लाइक करें चाहे न करें। आप जो चीज का मुझे ज्ञान नहीं है, मान लो कि मैं साथियों एक धर्म, आपको पता है सबसे आसान क्या है आज के दौर में, इस्लाम धर्म को टारगेट कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मुसलमान को बुरा भला कीजिए, गाली दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब क्या है, अगर आपको साथियों जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में बतलाना नहीं है आपको, यही तो मैं कह रहा हूं ना। चलिए जी, ओके, ठीक है, जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। बाकी आप अगर आप भी धर्म के बारे में जानते हैं तो पढ़िएगा और उनकी वीडियो को भी देखिएगा, उसमें क्या क्या गलतियां हैं। ऐसे ही उन पर तनकीद नहीं किया गया, बहुत बड़े बड़े उलमा ने किया है, और जो हमारे आलिम लोग हैं जो तारीख इस्लाम जानते हैं वो लोग ऐसे ही किसी पर लान दान नहीं करते हैं। ठीक है जी, मैंने अपने स्तर पर बताया है, बाकी आप लोग भी बड़े हैं।